मतलब जो चेंजेस हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे ना जब मैं खेल रहा था इतनी नहीं आई, बट जो पिछले कुछ साल से मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। वाई बिकॉज अगर आप देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में अभी इंडोर स्टेट है, शाम को बच्चे आते हैं, जैसे मैं अनंतनाग में, हमारा एक ये भी एक ख्वाब था कि 4-5 बजे के बाद हमारा कोई स्पोर्ट्स का कोई इवेंट ही नहीं होता। 5 बजे के बाद हमारी लाइफ ना बिल्कुल, मतलब हम जाते थे 5-6 बजे के बाद घर पे बैठते थे, बट जब हम बाहर जाते थे कुछ 6-7 बजे भी हम देखते थे ये बच्चे जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंडोर हॉल में खेल रहे हैं। तो अभी 20 डिस्ट्रिक्ट में इंडोर हॉल बने हैं जो फंक्शनल है। मतलब अगर आप मेरी बात करें अनंतनाग में, श्रीनगर में, बांदीपुरा वगैरह में, सब शाम को बच्चे जाते हैं। मैं क्रिकेट की इसलिए बात नहीं करूँगा, बाकी गेम्स मतलब इंडोर में टीटी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बाकी गेम्स खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में और बेटरमेंट की ज़रूरत है, बट मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ साल से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डअप हुआ है। खासकर अगर आप यहाँ की बात करेंगे बानिहाल, बानिहाल में मैंने क्रिकेट खेला है। यहाँ पे मैं छोटा था, मैं यहाँ पे हमारे बड़े भाई हैं मुजीद साहब, इनकी टीम से मैं खेलता था। तो मुझे एक वाक़ा याद है जब मुजीद साहब ने, यहाँ की एक बहुत बड़ी टीम होती थी, तो इनने उनको चैलेंज किया था, तो इनको बट पता ही नहीं था कि मैं प्लेयर लाऊंगा कहाँ से। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा, मतलब उनके साथ एक बॉन्डिंग रही है भाई की तरह, और बानिहाल के लोगों के साथ बड़ा प्यार यहाँ पे मिला, बड़ी इज्जत यहाँ पे मिली। तो यहाँ के लोग बड़े पैशनेट हैं, मतलब दानिश भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, BPL यहाँ पे ये करा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक एफर्ट से डाल रहे हैं हर जगह। मुझे लग रहा है हर एज अ गवर्नमेंट, एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन, हमें ऐसे लोगों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट ये इनक्रेज हो आने वाले टाइम में, इनको देखे बाकी लोग भी काम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बच्चे को फैसिलिटी चाहिए, मतलब एक प्लेयर बनने के लिए उसको फैसिलिटी चाहिए। वो जे एंड के